हाथ में चप्पल लेकर दबे पांव चलती ये महिलाएं उत्तर प्रदेश के ललितपुर की हैं। सेमराडांग गांव की ये महिलाएं जातीय भेदभाव खत्म होने के तमाम दावों के बावजूद आज भी जलालत झेलने को मजबूर हैं। कमजोर तबके की महिलाओं के मुताबिक गांव की ऊंची जातियों के लोगों के घरों के सामने से निकलते समय उन्हें अपनी चप्पलें इसी तरह पैरों से उतार कर हाथों में लेनी पड़ती हैं। महिलाओं के मुताबिक जातीय भेदभाव से भरा ये रिवाज उनके गांव में पीढ़ियों से चला आ रहा है। हम लोग जैसे आते हैं तो बड़े आदमी की दुआरी में निकलते हैं, सब चप्पलें उतार के निकलते हैं। और जो ऊंची जाति की महिलाएं हैं वो बेवर नहीं निकलते हैं, वे पैर के निकलते हैं। बड़े आदमी के घर से निकलते हैं तो चप्पल लेते हैं हाथ में, परंपरा है। गांव से बाहर निकल जाते हैं तो आप चप्पल पहन लेते हैं। अच्छा, ये आपके मतलब आपकी पहले की भी जो महिलाएं रही वो भी ऐसे ही करती थी? हाँ, वो भी ऐसी करती थी, हमें सास और करती थी तो वो भी हम करते चले आए। पीड़ित महिलाओं